जी नाज़रीन, प्रोग्राम ही आए सिंध घोटकी मां माँ या लतीफ़ वसीर। अज असी घोटकी ज़िले के सनती इदारन के अहम इशूज़ से गाल बोल कंदासी। फाउंडेशन पावर प्लांट पारा मकामी पोरेतन के नौकरियों तां बरतरफ किया वियो आहे, जिनजो तादाद 50 के लगभग आहे। उहे मुलाजिम जेके नी गुज़िरियल 1.5 महीना का वठी सरापा एहतजाज बणियल आहिनि फाउंडेशन पावर प्लांट पारां, जिथे ख़ासि तौर ते उहे मकामी पोरेत जेके पसगिरदे जा राहक हुआ, जंहिंजूं पंहिंजूं ज़मीनूं उन्हनि ॾिनियूं, उन्हनि खे जेको आहे नौकरियुनि तां बरतरफ कयो वियो आहे। पर अहिड़ी तरह ही जेके पोरियत आहिनि, जंहिंजो जेके स्वीपर आहिनि, माली आहिनि, चौकीदार आहिनि, मजमूई तौर ते इन इलाइक़े जा उहे पोरियत आहिनि, जिन खे पिण नौकरी तां बरतरफ कयो वियो आहे। असीं इन वक़्तु जेको आहे फाउंडेशन पावर प्लांट वटि मौजूदु आहियूं, ऐं उते जेके मज़दूर सरापा एहतजाज बणियल आहिनि उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हालांकि घोटकी ज़िले अंदरि तमामु वॾा सनती इदारा आहिनि, खाद जूं फैक्ट्रियूं आहिनि एशिया में तमामु वॾियूं, जेके घोटकी ज़िले में खाद जूं फैक्ट्रियूं आहिनि, गैस जा खूह आहिनि, ऐं शुगर मिलन समेत केतिरियूं इंडस्ट्रियूं हुअण बावजूदु हिते जेके मज़दूर आहिनि मक़ामी पोरेतनि सां जेके ज़्यादतियूं कनि पिया, उन हवाले सां हिते ख़ासि तौर ते कॉन्ट्रेक्टी निज़ाम जेको आहे उहो हले पियो। लेबर डिपार्टमेंट जेको आहे गैरफाल बणियल आहे, पर उन सां गॾोगॾु अदालती केतिरा ई फ़ैसिला आहिनि उन्हनि ते अमल न आहे थी सघियो। ऐं हालांकि जंहिं ज़िले अंदरि जेके सनती इदारा या जेके फैक्ट्रियूं हूंदियूं नी, उहे ज़िले इंतिज़ामिया जे मुआदे तहत उते बाउंड हूंदियूं नी, पर उन बावजूदु उन्हनि ते अमल न आहे थी सघियो। हिन वक़्तु फाउंडेशन पावर प्लांट जा जेके मुलाज़िम आहिनि गुज़िरियल 1.5 महीननि खां वठी सरापा एहतजाज आहिनि। अचो त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं, उन्हनि जा कहिड़ा मसला आहिनि, आख़िर उन्हनि खे छो नौकिरी तां बरतरफ़ कयो वियो। जी नाज़रीन, ही उहे फाउंडेशन पावर प्लांट जा मक़ामी पोरियत आहिनि, जिन खे गुज़िरियल 1.5 महीननि खां वठी जेके सरापा एहतजाज बणियल आहिनि फाउंडेशन पावर प्लांट पारां, इन्हनि खे नौकरियुनि तां बरतरफ़ कयो वियो आहे। ही मक़ामी पोरियत आहिनि, इतां जा पोरियत आहिनि, ऐं उनखां पोइ ही 1.5 महीननि खां मुसलसल सरापा एहतजाज आहिनि। ऐं ॿुधाए पियो वञे चार्टर ऑफ डिमांड पेश करण ते इन्हनि खे सनती इदारनि पारां, ख़ासि तौर ते फाउंडेशन पावर प्लांट, इन्हनि मथां केस बि दाख़िल करायो वियो आहे दादलीगारी थाणे ते। पर उन सां गॾु चूंडियल नुमाइंदनि समेत को बि हिन वटि न आहे। पोइ 1.5 महीननि खां वठी ही सरापा एहतजाज बणियल आहिनि, उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, ऐं त आख़िर उन्हनि खे छो नौकिरी तां बरतरफ़ कयो वियो, हुननि जा कहिड़ा मुतालबा हुआ। ही उहे मज़दूर आहिनि जेके हितां जा मक़ामी पोरियत आहिनि, ऐं उन्हनि खे हिकु त कॉन्ट्रेक्ट बेस ते ठेकेदारी निज़ाम हेठि कमु कनि पिया, गुज़िरियल 8 खां 11 साल उन्हनि खे थी विया आहिनि, पर इंतिज़ामिया पारां उन्हनि खे नौकिरी तां बरतरफ़ कयो आहे। साईं, हीउ जेको तव्हांजो एहतजाज आहे, केतिरनि ॾींहंनि खां एहतजाज आहे, छा मसिलो आहे, आख़िर छो हटायो वियो आहे तव्हांखे? सर, असांखे 1.5 महीनो थी वियो आहे असांखे हितां बरतरफ़ कयो वियो आहे जबरी तौरु, ऐं जॾहिं असां चार्टर ऑफ डिमांड हिन खां पंहिंजे मुतालबात पंहिंजा हक़ असां हिन खां घुरियासीं, त असांखे हिन नौकिरी खां बरतरफ़ करे छॾियो आहे। ऐं हिन जी मतिलबु रिवायत रही आहे पंहिंजो हिन कंपनी जी, त शुरू खां वठी करे ही जेको आहे न ही वादे ख़िलाफ़ ई कंदा रहिया आहिनि। ऐं शुरू में जीअं पंहिंजो ही माना मुलाज़िम भर्ती कयूं था असां कंपनी में रखूं था, वरी हिन असांखे ठेकेदारी निज़ाम में धिके छॾियो, ऐं उन खां अलावा उन खां पोइ वरी ही असांखे यको ई मतिलबु का शइ न ॾींदा रहिया पंहिंजा हक़। ऐं हींअर असां हिनखे पंहिंजो चार्टर ऑफ डिमांड COD जेको थींदो आहे उहो असां हिनखे ॾिनो आहे, ऐं उन ते असांखे हिननि जेको आहे बरतरफ़ करे छॾियो आहे 50 मुलाज़िमनि खे। 1.5 महीनो थी वियो आहे असांखे। सर, उहे नंढा मुलाज़िम आहिनि, स्वीपर आहिनि, माली आहिनि, चौकीदार आहिनि, ऐं पंहिंजो इहे नंढियूं मुलाज़िमतूं आहिनि, को वॾियूं मुलाज़िमतूं बि असांजूं न आहिनि, जो जेको आहे त असां जेके चऊं त असांखे वॾियूं मुलाज़िमतूं असांजे मैनेजमेंट में आहिनि असांजा माण्हू, या असांजा मथीं कैटेगरी में आहिनि बि नंढी कैटेगरी जा मुलाज़िम, ऐं उहे 1.5 महीने खां बरतरफ़ आहिनि। उन्हनि जा जेके आहिनि बच्चा बुख ते वेठा आहिनि 1.5 महीने खां, पोइ जेको जनवरी जो महीनो उनजी सैलरी बि बंदि आहे, उहे बि माना रोके छॾी अथऊं, ऐं 1.5 महीनो ॿियो थी वियो आहे बरतरफ़ी खे, ऐं जेको आहे उनजे करे असां सरापा एहतजाज आहियूं, पर कोई बि असां वटि हिते का असांजो दां कुक ॿुधण लाइ कोई बि तयारु न आहे। लोकल इंतिज़ामिया हुजे, SP हुजे, DC हुजे, कोई बि ॿुधण लाइ तयारु न आहे। हीअ जेको केस दाख़िल करायो वियो आहे उन में केस में घणा मुलाज़िम नी, उन खां पोइ केस आख़िर छो दाख़िल करायो वियो? साईं, केस दाख़िल जेको उन्हनि करायो आहे 7 माण्हुनि ते। साईं, असां हिते मां चौकीदार आहियां हिन गेट जो, असां मां यका बि कैंप में रहंदो आहियां 24 घंटा, असांजी ज़िमेवारी आहे पोरमन जी, असां पोरमन रहंदा आहियूं। उन्हनि केस में जेको लिखायो आहे त इन्हनि इहो सिक्योरिटीअरनि सां इन्हनि मोहमारी कई आहे, का असां सिक्योरिटीअरनि सां मोहमारी कोन कई आहे, गेट असां खोलियो आहे पियो, पोरमन हुयासीं, ऐं इन्हनि का वजह अहिड़ी कोन्हे जो इन्हनि केस दाख़िल न हक़ करायो आहे असां ते। असां 40 ॾींहं थी वियो आहे तक़रीबन, असां 40 माण्हू लिकल हूं, ऐं इहा चार्टर डिमांड आहे जेकी असांजो साल में एग्रीमेंट जेको थींदो आहे, असां एग्रीमेंट ते लेबर डायरेक्टर बि आयो, एग्रीमेंट जे हिसाब सां मीटिंग करे वियो, हिकु ॾींहुं मीटिंग करे लिखितो आहे, उन जा हाणे असांजो गेट बंदि कयो आहे इन नाक, ऐं का अहिड़ी ॻाल्हि कंपनी जी न आहे जो असां ते इन्हनि केस दाख़िल कयो आहे।
कंपनी के अस हक वी खारी तक असा सा जिलो एताद असा सा गड मजदूर गाडन असा इन हक वे असा इतों मोए करदा बाकी जींदे असा इन वस में ना कड़ी सकदा असा जो लाश वो हाँ तो ये जी एफ आई आरू दाखिल थी उनमें एक तो एफ आई आरू दाखिल थी बो चाली ढी वी मुसलसल एहतजाज से वेठा इंतजामिया समेत को चूंडल नुमाइंदो या बया तो लड़ी आया नहीं साईं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तो एफ आई आर जी असा पैर भी धमकी दिनल हुई तो महीनों पंद्रह ढी अग में असा एफ आई आर धमकी दी कूड़ा केस दाखिल करी जैसे लिए असा एडिशनल आई जी सखर साहब डॉक्टर जमील साहब दे वियासे जैसे असा रिटर्न में दरख्वास्त कूड़ी एफ आई आर की कंपनी से धमकियों दिन थी तो असा तहफुज दिनों वे असा कूड़ी एफ आई आर दाखिल न कर एस पी घोटकी साहब के तुम अड़ो ऑर्डर जारी कर उन एस पी साहब के नोट हड़ी लिखी दिनों तो बाबा इंक्वायरी कर रिपोर्ट दे उन बावजूद भी बवी दिन अस मजदूर से ही एफ आई आर दाखिल थी जैमें एफ आई आर में इतना जो सिक्योरिटी ऑफिसर आ जो फरियादी आयद जन मकामी वडेरा जो इतने कंपनी में परमानेंट आन इतना जो मकामी वडेरों को है वो इदारे जो मुलाजिम है फाउंडेशन जो मुलाजिम है इतना जो लोकल मुलाजिम है वो स्वीपर चौकीदार टेम्प्ररी मुलाजिम है जैसे इन कारे कानून जो को है ठेकेदारी निज़ाम उन्हीं तहत इन मजदूर के हलन था एफ आई आर जो जमान से कराए चुका हूँ अना भी असा ही कूड़ी एफ आई आर जो धमकी दिन था तो अस मजदूर से एफ आई आर दाखिल करे असि तंजीम वतन दोस्त मजदूर फेडरेशन जिलो मजदूर इतिहाद नेशनल लेबर फेडरेशन इन मजदूर से चौवी कलाक गड आयूँ हर दुख सुख में असा चौवी कलाक कैम्प से होंद उन अलावा लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर लेबर ऑफिसर इन इदार के लिखो तो तुम ही इलीगल टर्मिनेशन कई है मजदूर की जहाँ गैरकानूनी मजदूर जहाँ गेट बंद क्या इन फौरी तौर बहाल किया वे नौकरी से वो वे पोरियत हटाया परे परे सर ये पोरियत हटाया अथ हि मुख्तलिफ़ कौमन से वास्तो रखन था इन्हीं इलाके जहाँ फैक्ट्री की दीवार है चौ तरफ दीवार जी है इन सा गडो गड रहन था मुख्तलिफ़ कौमन जहाँ इतने मजदूरी करन था स्वीपर माली चौकीदार हि सर दह पंद्रह साल इदारे में कम करन था जैसे कभी फाउंडेशन इदारों से कायम थो उन ढी का ही इदारे इदारे में स्वीपर चौकीदार माली कम करन था जी अमी गाल बोल बुधी हि जे वे मकामी पोरियत जो गुजरियल डेढ़ महीने का वी सराप एहतजाज बनल उनको चवण पैंजा हक घुरण से इंतजामिया इतना के लोकल वडेरन मार्फत कूड़ा केस दाखिल कराया पर उन गड यारह यारह साल इन की जो सर्विस थी वही खास तौर ही उ मुलाजिम जो हि पावर प्लांट है इनकी पसगिरदई में जो गोठ आन हि उतं जहाँ रहायश पजीर आन उतं जहाँ पोरियत उन्होंने डेढ़ महीन का वी नौकरी तक बरतरफ किया बार बच्चा जो बुखू काटण से मजबूर आन असि गाल बोल कहीं खास तौर ही यूनियन जहाँ के बया अगुवान हैं उन्हें सा वेलकम बैक नाजरीन अमी मजदूर की गाल बोल बुधी इन वक्त असा जिले घोटकी जो चेयरमैन मजदूर इतिहाद जो फतेहमंद लखन साहब मौजूद है उन गाल बोल कंदासी मजदूर के हवाले से फतेहमंद साहब अवी वही मेहरबानी जो असा टाइम दिनो ही से मजदूर जो मसलो है खास तौर से ये फाउंडेशन पावर प्लांट में हटाया वे बो जिले घोटकी अंदर जो ठेकेदारी निज़ाम आ अदालती फैसला बयान अमल छो तो थे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मेहरबानी साईं जन जी जे मजदूर की रहनुमाई किया पाया सर मसलो यो आए त फाउंडेशन पावर प्लांट जडे भी मजदूर सी ओ डी दिनी आ उन्हीं टाइम या हरकत शुरू कर बाबा तक इन गरीबन के अस हक न दूँ हाँ जो इन सी ओ डी दिनी आ सी ओ डी दियण का लेबर डिपार्टमेंट विच में आयो आ एक अद मीटिंग थी उन्हीं मंझ एक अद मीटिंग को जो गैर कानूनी शाम जो ड्यूटी का बाहर वह सुबह जो गेट बंद कर छो है जो सरासर गैर कानूनी है लेबर डिपार्टमेंट एक न बल्कि पंज छह मिनट का कर चुकी आ कदें उन्हीं मीटिंग में एकड़ो डी अचन था तो सिर्फ उत दिलासा दे तो बाबा हाँ सुबह अस वरी इंदे वरी सुबह को अचन वरी वो बिन्न ओ लेटर कढ़न था
तो बाबा असां अचनि था बाबा अॼोको असां नथा उहो फ़ोन ते चवनि था अॼु नथा अची सघूं सुभाणे असां ईंदासीं लेकिन लेबर डिपार्टमेंट पंहिंजी कोशिशि कई आहे उन जे चवण ते इहे वञणु चाहिनि कोन था पिया उन खां बाद एसी साहिबु डीसी साहिब जे हुकुम ते ॿ टे मिंट खां घुरायूं आहिनि ॿ टे मिंट खां घुरायूं आहिनि हिकिड़ी मीटिंग ते अचनि था उन्हनि सां बि सेम इहो ई सीन करनि था ॿी मीटिंग ते फ़ोन ते जवाबु ॾेई छॾनि था त भाउ असांजो अॼु असांखे हीउ कमु आहे हीउ कमु आहे लेकिन उहो मसइले हल करण जे पासे ई कोन्हे मज़दूर पंहिंजो पुरमुन वेठा आहिनि जेसि ताईं मज़दूरनि खे हक़ु न मिलंदो असांजे ज़िले में जेके बि इदारा आहिनि सभु इन मज़दूरनि सां गॾु आहिनि मज़दूर बि ग़रीब उहे आहिनि को ॿाहिरि जो मज़दूर न आहे जंहिं सभु मज़दूरनि जंहिं हीउ ज़मीनूं ॾिनियूं आहिनि ऐं चौ दीवारी जे ॿाहिरों जंहिंजा घर आहिनि ऐं उन्हनि खे हक़ु कहिड़ो ॾिनो आहे उन्हनि माली स्वीपर चौकीदारी हाणे हितां जे जीएम जी कोशिशि इहा आहे त इन्हनि खे बि असां फारिग करे असां इहे बि ॿाहिरों पंजाब जा आहियूं जेके माली स्वीपर चौकीदार आहिनि सो असां इन मज़दूरनि सां गॾु आहियूं इनशाला गॾु रहंदासीं ॿियो नंबर ठेकेदारी निज़ाम जेको आहे ठेकेदारी निज़ाम सुप्रीम कोर्ट ख़तमु करे चुकी आहे त उहा ठेकेदारी निज़ाम ठेकेदार आहे ई न सभु परमानेंट आहिनि जॾहिं बि मज़दूर आवाज़ु उथारे थो हीअ ताक़तवर आहिनि इदारा आहिनि इहे मथे ॻाल्हाइनि था पिया पोइ हिकु न ॿियो कंहिं न कंहिं इदारे में मसइलो करे था विझनि जीअं मज़दूर इन साइड खां हटी वञनि वरी असां इन पोज़ीशन ते हलायूं ॿियो फतेह मन साहिब हिते जेके मज़दूरनि जेके तव्हां ॻाल्हि कई त उन नंढड़ा मुलाज़िम नी मक़ामी तौर ते लोकल मुलाज़िम नी पर ॿियो सनती इदारनि खे ख़ासि तौर ते तरक़ियाती कमु करण इलाइक़नि में उहे शयूं थियनि थियूं तव्हां नज़र अचनि थियूं सर नज़र इहे अचनि थियूं तव्हां मीरपुर खां हलिया आहियो केॾा हिते इदारा आहिनि असांजा कराची खां ॿिए नंबर ते ज़िलो घुटकी आहे त तव्हांखे हिते का बि इन जे इदारनि जे तरफ़ां का सहूलियत तव्हांखे न ॾिठी हूंदी वे हर जॻह ते हर ॻोठ मंझि सुप्रीम कोर्ट पंहिंजो आर्डर कढियो आहे त बाबा 5 किलोमीटर ते गैस ॾियो 5 किलोमीटर ते बिजली ॾियो लेकिन कंपनियूं ॾियण लाइ तयारु ई न आहिनि गैस ऐं बिजली पंहिंजा हिकिड़ी सिर ॾियण लाइ बि तयारु कोन आहिनि त असां हिते का सिर लॻायूं या हिते तव्हां ॾिसो आसपास पाणी जो ढुक पीउ ॾिसो त असां वटि पाणी ज़हर आहे ज़हर खां ज़हर पाणी आहे लेकिन पाणी ॾियण लाइ बि तयारु कोन्हनि ऐं चौधारी ॻोठ आहिनि हिन इदारा गैस कंपनियूं आहिनि त जिथे खूह आहिनि उते ॻोठ आहिनि जिथे पंहिंजो पावर प्लांट आहिनि उन जे चौधारी ॻोठ आहिनि किथे बि कंपनियूं हिन माल ताईं का शइ न ॾिनी आहे सर ॾिसो हाणे 1.5 महीनो थियो आहे हीअ मज़दूर वीचारा वेठा आहिनि इहो महिरबानी आहे मीडिया जी जेके मीडिया असांजो हलाए थी पई हिन महिल ते चूंडल निमाईंदो कयो बि न का फ़ोन ते राब्तो कयो आहे न को हली आयो आहे असां जी नाज़रीन अवी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी चेयरमैन मज़दूर हितां जो ज़िले घोटकी जो फतेहमल लखन साहिब जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी ऐं उन सां गॾु हिन वक़्तु ॿियो बि मज़दूर अॻुवाण असां सां गॾु आहे सादिक लिगारी साहिबु साईं वॾी महिरबानी साईं हीउ जेको ज़िले घोटकी में ख़ासि तौर ते मज़दूरनि सां ज़्यादतियूं थियनि थियूं पियूं तव्हां हमेशह आवाज़ु उथायो था पिया इतिजाज कयो था पिया सालनि खां मक़ामी पोरे जेके आहिनि उहे उन्हनि खे पको नथो कयो वञे अदालत फ़ैसिला बि आहिनि ऐं उनखां पोइ ताज़ो हिननि मज़दूरनि ख़िलाफ़ु जेका ज़्यादती थी आहे त इन्हनि खे सॼनि शयुनि खे कीअं पिया ॾिसो सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले खां मथे को फ़ैसिलो न आहे हुन ते बि अमल करण लाइ तयारु न माना ईअं सम्झो त हीअ सुप्रीम कोर्ट खां बि ॾाढा आहिनि ऐं रहियो सुवाल पके करण वारा जो त 35 खां 40 साल डेली वेजिस ते निवे ॾींहुं पूरो करणु नथा ॾियनि उन्हनि खे ऐं उन्हनि जा कटनि था पर कमु जेको आहे उहो रिटायर हिन इदारा जा हिते ई मज़दूर थी था वञनि को बि फैसिलिटीज़ न आहे उन्हनि खे पंज असां वटि शुगर मिलूं आहिनि असां वटि 2 वॾियूं जेकियूं खाद फैक्ट्रियूं आहिनि असां वटि 2 गैस फील्डूं आहिनि असां वटि ऐं नंढा वॾा केतिरा इदारा आहिनि पर तव्हां ॾिसंदव त हिन में अटे में लूणु बराबरि आहे का उन्हनि जी चेक एंड बैलेंस कोन्हे का लेबर डिपार्टमेंट जे कानून ते का 73 जे आहिनि मुताबिक़ जेको हिननि खे मकामी माण्हुनि खे सहूलियतूं मिलनि कंहिं बि क़िस्म सहूलियत न आहे मिलियल हिते असांखे सिर्फ़ु आहे त ॿाहिरनि माण्हुनि खे आहे जेको राति जो अचनि था सुबुह जो पका थी था वञनि तव्हां ॾिसो त हिते जेको आहे अॻे मौलवी जी असां वटि पोस्ट चवंदा माण्हू चवंदा बाबा मुला बि ओॾो पर हाणे मुला बि ओॾो जो थी विया आहिनि ॿाहिरि जा थी विया आहिनि असां वटि जेको आहे त हाणे मौलवी बि न रहियो आहे चवंदा आहिनि त तव्हां वटि मौलवी बि कोन्हे जेके बाबुल इस्लाम सिंध आहे असांजी उन सां गॾो गॾु ॾिसो त स्वीपर माली इहे चौकीदार 1.5 महीने खां वेठा आहिनि हाणे इन्हनि जी साज़िश आहे त जेका इन्हनि खे बि बरतरफ़ कजे ॿाहिरां माण्हू घुराए वठजनि ऐं इन्हनि साज़िश कई बि आहे मक़ामी माण्हुनि जेका मक़ामी ठेकेदार आहिनि उन्हनि जा 62 ठेकेदारनि चूंडियल नुमंदा ॿुधनि था हर कंहिं ख़बर अथनि हाणे बारी ख़ान पिता जो 1.5 किलोमीटर ते हितां घरु आहे जेको सूबाई मिनिस्टर आहे पावरफुल मिनिस्टर आहे MNA साहिब जो हितां तक़रीबन 10 किलोमीटर ते घरु आहे ऐं हितां ख़ालिद अहमद ख़ान साहिब जो पर को असांजी मदद करण लाइ हिन टाइम तयारु बि न आहिनि छाजे कां त हीअ मज़दूर आहिनि उन्हनि जा इदारनि सां वास्ता तालुका अथनि वोट मज़दूर ॾियनि था पर हू अमल करण लाइ तयारु न आहिनि उन सां गॾो गॾु अचो तरक़ियाती कमनि जे हवाले सां त को बि तरक़ियाती कम न आहिनि त ॿियनि ज़िलनि में ॿियनि सूबनि में आहिनि ज़िलनि में बि न चवंदुसि बल्कि ॿियनि सूबनि में आहिनि कमाइनि हितां था रेवेन्यू हितां जो ज़हर असांखे
था हाँ ही फैक्ट्री है काडों वे अस एनवायरमेंटल वाला वही कर छाप हणन जो इन ड्रिलिंग कर जहर जो पानी है जो अंदर सटन था पाया ये सब इदारा जन बहर जो हाँ पानी छड़न जहरीलो पानी बहर छड़ने बजाय हे ड्रिलिंग कर जहर केमिकल छपन था तुम ऐसो तो पसगिरदे में सब पानी जहरीलो वह इन उत कानून छो खामोश है लेबर डिपार्टमेंट जो लिखत में डे तो हि तुम राइट है हि सिंध गवर्नमेंट हि वफाक हि सब इदारा तक राइट दियन पाया पर उन राइट मुताबिक वो लागू सिर्फ असा तो थे तो उन्होंने न तो थे तो इदारा बासर असानी मालकिन है मजदूर हैं मजदूर के लिए कोई भी पुछण वो तैयार ना इन कर अपील कभी कि शाबाश है मीडिया के दोस्त के खसूस आवाज़ टीवी वन के जन अची कर अज तुम प्रोग्राम किया पाया और मैं गुजारिश कद तुम्हारी विसाकत से सारी दुनिया के छो खामोश आ छो चूंडियल न मौन तुम खामोश आ जन अस मत एफ आई आर दाखिल कर शायद बणजी था वो उन्होंने पर अस हक घुरन के अपीलू क्यों था हक चेक क्यों था कुरान शरीफ जहा वास्ता दूँ तक अच्छा लाइ तैयार भी ना कदें इंद जैसे वोट इंदा उन टाइम इंद ताज़ो बड़ी अग में पीपल्स पार्टी एम एन ए सरदार मोहम्मद बश खान मोहर सनत इदार खिलाफ़ तहरीक हलने ऐलान किया इन के तुम कि तहरीक हल्दी साई हाँ अर्ज यो है मोहम्मद भाई खान असो मोतवारी तुम सरदार आ चूडियल नुमाइंदो वे सरदार खिलाफ़ सरदार गुलाम अहमद खान पुट है पर जो सुठो कम कह सिर्फ निज मजदूर के लिए मकामी मानन के लिए लोकल मानन के हक दियन के लिए अगर वो दिसदा से उनकी तहरीक के उन असके बाकायदा दिसदा तो तहरीक वाकई जी निज है असा के उन दावत दिनी तो भरपूर शिरकत कदे जो दिठो तो छड़ी सियासत है उनमें पान के चिमकाने के लिए तो मजदूर हाँ उन टाइम ना जो सियासत जी चिमकू असी जिदोजहद जारी रखा अस उम्मीद कदे नौजवान है सुठो है सुलझल है बिलावल से उन्होंने तालुकात पीपल्स पार्टी के तालुकात सरदार मोहम्मद बे खान तुम अगे भी फोन किया डीसी साहब के पर हाँ एतरा थियन तहजी भी कोन थी हल तुम जी फोन कर सब चेक कर पाया मजदूर की हिमायत किया पाया राइट दियन लाजी बिलावल से सिंध गवर्नमेंट ये समझा तुम वा वेटा तहजी भी कोन थी बुधी वे जी बया ऑफिसर चवन असि नी बुधी वे गवर्नमेंट की नी बुधी वे तो बुधा तो अपील क्यों तो कें क्यों मोहम्मद बे खान सुठे हिसाब से तारीख हल दावत दी दिसदा सुठो हों तो इंशाल्लाह भरपूर उनको साथ दींदे जो भी मजदूर लाइ मकामी बन गाल अस उन गड हे जो मजदूर मुखालिफ हों उन एहतियाज में कदें भी शामिल नींदे हथा उनको है बिल्कुल जो एहतियाज कर वाजे कदे तो तू मजदूर जो दुश्मन आई तू मजदूर जो दुश्मन आई तू मजदूर जो दुश्मन आई जी नाजरीन अभी गाल बोल बुधी हि जे मकामी जे तीप इन लीडर आन यूनियन वन हि पोरेतन जे अगवान उनकी भी गाल बोल बुधी खास तौर से मजदूर के हवाले से एक जो ठेकेदारी निज़ाम है या जे फाउंडेशन पावर प्लांट पारा मजदूर के हटाया वो उनको चवड़ो तो इतना जहाँ जे इंतजाम खास तौर से सनत इदार वो इंतहाई बासर आन जो इंतजाम इंतजामिया को बुधन चूडियल नुमाइंदा भी इतने लड़ी को पाया को आया अस इन सजे मामले से जी मीटिंग घुराई है तहरीक हल्दी कोशिश कदी असि इन मामले से बिन अगवाणन से या इंतजामिया से अस इन सजे मामले जो मौके वी सकूँ। वेलकम बैक नाजरीन हि जो फाउंडेशन पावर प्लांट वे इशूज ते जे मकामी पुरतन के नौकरी तक बरतरफ किया है उनखा पो हन वक्त असि एस टी पी जो वाइस चेयरमैन सीनियर कानूनदान तलकेबार जो सदर जाम अब्दुल फताह समझ वट मौजूद आयो अज असि इन मामले से उनसे गाल बोल कदी जाम साहब वही मेहरबानी जो असि तुम असें टाइम दिनों जाम साहब हि जी अस मकामी पुरियत उन्होंने नौकरियों तक कटो तो वे उनखा पो अदालती फैसला उन्होंने अमल को थे तुम इन सजे मामले के कें पो असि इन सारे मामले के गलत समझू पाया जडे का ही फैक्ट्री लगी है उन वक्त का वी ही मजदूर उत कम कड़ो राइट आठ उत जमीनू सब शून इन भेरे भी महीने का मथे थी ये मूँ जो चाली केताली मू निकता वेठा मुजाहरा जलूस जलसा ए लोकल असा तो वडेरा तो खामोश हैं पर जे भी मजदूर यूनियन असं सब इन से गड आयो अस उत भी वह फाउंडेशन से भी वह अस इंशाल्लाह आइंदा भी जी इनकी थी लीगली तरह भी मां इन से गड आया डिस्ट्रिक्ट बार के तरफा तालका बार के तरफा
छाकाणि त असां हिकिड़ा कानूनदान आहियूं, असां त हिन जी लीगल पोज़िशन में सारी शइ कंदासीं, त बाक़ी जेके ज़्यादतियूं कनि था तमामु घणियूं था कनि पिया, ऐं जेके जेके न कई कानून खे मञनि था, न डिप्टी डायरेक्टर लेबर खे चवण खे मञनि था, न लोकल इंतिज़ाम खे मञनि था। ख़ासतौर ते असांजे ज़िले में केतिरियूं सनती इदारा आहिनि, उते हीअ जेको ठेकेदारी निज़ाम सालनि खां वठी हले पियो, ऐं के वीचारा मरी बि विया पर पके थियण जे आसिरे में पका न थी सघिया, अदालती हुकुम बि आहे, अदालती फ़ैसिला बि आहिनि, आख़िर इन्हनि खे ठेकेदारी निज़ाम ख़तमु छो नथो थिए, इंसान हुन ते अमल छो नथी कराए पई? तव्हां सीनियर कानूनदान बि आहियो, तव्हां छा था सम्झो पिया, आख़िर छो मामिलो छा आहे? हक़ीक़त कानून जे हिसाब सां चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जे वक़्त में इहो शइ क्लियर करे आहे त कोई बि ठेकेदार जो मुलाज़िम न हुजणु घुरे, जेके बि माण्हू असां आहियूं, असां कहिड़े बि नमूने सां फैक्ट्रियुनि सां वापसि आहियूं, फैक्ट्री जा इम्प्लॉइज़ आहियूं। अहिड़े क़िस्म जो फ़ैसिलो असांजो पाक सुधी फर्टिलाइज़र में आयो हुयो, जंहिंमें कुझु माण्हू उहे इम्प्लॉइज़ थी बि विया, पर आहे शायदि लोकल इंतिज़ामिया ऐं सिंध गवर्नमेंट जी भाड़ियाइप आहे, जेके मज़दूरनि जी सपोर्ट करनि नथा, मज़दूरनि जी इख़लाक़ी सपोर्ट कनि, त मां सम्झां थो हिन जा मसला हल थी सघनि था। जॾहिं हिकिड़ो कानून बि आहे, हिकिड़ी अथॉरिटी बि आहे, हिकिड़ो फ़ैसिलो बि आहे, उन ते अमल त ज़ाहिर आहे गवर्नमेंट सिंध कराईंदी न, या लेबर डिपार्टमेंट कराईंदो न, उहे जेका कुझु ई कोन था सघनि, अलाए उन जूं कहिड़ियूं मजबूरियूं आहिनि, या त ठेकेदारनि था कोई सोपती अथनि, या छा अथनि, या हू चाहिनि था त मज़दूरनि, हालांकि ॾिसो न, पीपल्स पार्टी जो बुनियादु मज़दूरनि जे हिसाब सां आहे, ग़रीब मज़दूर हारी जेको असुल जान त पीपल्स पार्टी जो आहे, वोट बि त असुल उहे था ॾियनि, ऐं पोइ वरी उन्हनि माण्हुनि जा जॾहिं मसला अचनि था, जॾहिं उन्हनि जे हक़नि जा मसला अचनि था, उन वक़्त में उहे ख़ामोश थी था वञनि। मज़दूरनि जो मसइलो आहे, असांजे ज़िले घोटकी जो अहम मसइलो आहे, डेवलपमेंट कमेटी जो चेयरमैन बि पीपल्स पार्टी सां लाॻापियल एम एन ए आहे, उन खां पोइ ॿ ॾींहं अॻु में सरदार मोहम्मद बशकान महर बि सनती इदारनि ख़िलाफ़ु तहरीक हलाइण जो ऐलान कयो आहे, छा था सम्झो पिया, जेकी डेवलपमेंट कमेटी जो चेयरमैन बि चए थो त मां बेवस आहियां, तव्हां छा था सम्झो पिया, या उनजी बेवसी आहे या हक़ीक़त ॿी आहे? ॻाल्हि इहा आहे त बेहवसी कहिड़ी आहे, जेकॾहिं उहे चाहिनि त करे सघनि था न, राजभाग वारा माण्हू आहिनि, जेकॾहिं इहे अली गौहर ख़ान रुगो हिकिड़ी तकरीर करे आयो ऐं चवंदो त मां डेली धरणा ॾींदुसि, मां चयो असां सभु तोसां गॾु आहियूं, तूं अच बाबा लहू मैदान ते, सिर्फ़ु ॻाल्हि जी ताईं महदूद थी वियो। हाणे मोहम्मद भाई ख़ान ऐलान कयो आहे असां ख़ुशि अमीद उनखे भलीकार चऊं था, सुठो अमल आहे, पर इन जे लाइ क़दम वधाए न, क़दम वधाए असां मज़ूरनि सां गॾु आहियूं, जे मज़ूर छा बग़ैर ज़ात पात जे जेके बि ग़ैरतमंद माण्हू हितां जा आहिनि, उहे सभु मक़ामी माण्हुनि जे हक़नि जे लाइ सभु असां उन सां गॾु आहियूं, पर उन जे लाइ अमली तरह का शइ थिए न, रुगो बयान जी मंज़िल ताईं न हुजणु घुरिजे न, इहे थोरी ईमानदारी करनि त सभु शइ थी सघे थो, अहिड़ी का ॻाल्हि कोन्हे जेकी न थिए, मज़दूर सभु शइ करे सघनि था, बसि इहो ई आहे त तव्हांखे ख़ुशि करनि था त वाक़ई तव्हांजे हक़नि लाइ फाइट करनि था, भले जो फाइट करनि था त सिंध जी इहो हाल हुजे, जा सिंध जा शहर बर्बादु पिया आहिनि, सिंध जा इस्पतालूं बर्बादु पियूं आहिनि, रोड बर्बादु पिया आहिनि, स्कूल बर्बादु पिया आहिनि, कहिड़ी फैसिलिटीज़ आहे असांखे, जेके हर इंसान खे फैसिलिटीज़ हुजणु घुरिजनि, असां वटि किथे आहिनि? फैक्ट्रियुनि में अञा वञणु यूरोप लॻो पियो, असां वटि ईंदो ॿाहिरि जंग लॻो पियो। जी नाज़रीन, हिन वक़्तु असां सां गॾु मियां अब्दुल रहीम भारो, आल सिंध एजुकेशन ट्रेड यूनियन सिंध जो सूबाई सदर बि आहे, ऐं हू हमेशह अवामी इशूज़ हुजनि, मज़दूरनि जा इशूज़ हुजनि, सभु खां अॻु भरो रहियो आहे, ऐं ख़ासतौर ते हिन इशूज़ ते जाम साहिब सां मियां साहिब सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, छाकाणि त मियां साहिबु इन सॼे मामले ते ए पी सी बि तलब कई आहे। मियां साहिबु, वॾी महिरबानी जो अवां असांखे टाइम ॾिनो। मियां साहिबु, असांजे ज़िले घोटकी जो फाउंडेशन पावर प्लांट में जेके मज़दूरनि खे, मक़ामी मज़दूरनि खे नौकिरी तां बरतरफ़ कयो वियो आहे, हीअ जेका तव्हां मीटिंग घुराई आहे, उनमें छा छा तइ थियो आहे, ऐं उनमें तव्हां कहिड़ी हिकमत अमली जोड़ी आहे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं फाउंडेशन पावर प्लांट जी इंतज़ामिया वो जुल्म किया, मजदूरन के मथा जुल्म जा पहाड़ किराया अन, एक तो उन्होंने नौकरी का निकाली नहीं अथन, बो तो वरी उन्होंने पुरमन एहतजाज जो हक भी उनको खसो अथन, उन्होंने मथा दादरीगारी थाने ते एफ आई आर दाखिल कराई अथन। इन लिए असां जेके भी ज़िले घोटकी जी यूनियंस आहिनि उन्हनि जो 9 तारीख़ ते इजलास घुरायो आहे, इनशाला असां हिकु वॾी तारीख़ हलाईंदासूं, सभिनीनि मुलाज़िमनि खे बहाल बि कराईंदासूं, ऐं कूड़ा केस बि ख़तमु कराईंदासूं, ऐं एॾी वॾी जिदोजहद हलाईंदासूं त इनशाला इहे इंतिज़ामिया कॾहिं बि एॾी बदमाशी न करे सघंदा, कंहिं मज़दूर जे मथां अहिड़ो को ग़लति अमल न करे सघंदा। केस दाख़िल कराया विया आहिनि, उनमें चवनि था मक़ामी कुझु वॾेरा बि मुलविस आहिनि, असली कंपनियुनि वारा छा कंदा आहिनि, मक़ामी वॾनि खे लक ॾींदा आहिनि त अचो तव्हांखे ठेकेदारी ॾियूं था, तव्हांखे कयूं था, उन्हनि खे इस्तेमालु कनि था, असांजे पंहिंजनि खे इस्तेमालु कनि था, कुहाड़े काठी खे उॾी वढियो, जॾहिं काठी जो बि उन में गन विधो हुयो, असां सां वेधन इहो आहे त असांजा पंहिंजा माण्हू असांजो इस्तेमालु कनि था असांजे मथां, पर इहे सोचनि हिकिड़ो ॾींहुं अहिड़ो ईंदो जॾहिं सारी ज़िले जा मज़दूर, सिंध जा मज़दूर सभु हिकु थी विया, रोडनि ते निकिरी पियासीं, इहे मक़ामी माण्हू एॾा शर्मसार थींदा, इन्हनि खे लिकण जी जॻह न मिलंदी, छो त हितां जा हिननि जी रहणी कहाणी
सब शादियों गमियों इतने मकामी मान सा इन मिस्किन मथा ये जुलम जहा पहाड़ किरायन था पा जैसे मुस्किन रोडन से निकता इन आहू दाहू क्यों तो इन लिखण की जहा न मिलती जिले घोट के अंदर केतरा ही सनती द्वारा हुजन वो एशिया जो खाद जो फैक्ट्रियन वेचारा वे वही उम्र जहाँ थी पोढ़ा थी पर अना भी ठेकेदारी निज़ाम के अजाब हेठ आखिर इन पक्ो छोन तो वे पक्का जो मूँ थन था उड़न मूल इलाक जहाँ मूँ थे उनके पक् तो वे परमानेंट कर वे थोड़ा इनते वाजे रोशनी वीजो असुल में जिले घोट की इंडस्ट्री जोन आते एफ एफ सी आ माड़ी गैस आ कादरपुर गैस फील्ड आ केतर तो शुगर मिल्सन इतने असाजा जो चूंडियल निभा जिनके अस मजदूर ही वोट दूँ था हारी दी गरे वोट दूँ था गरीब मानू वोट दूँ था इनके असेंबलियन में मोकलूँ था हि जी असेंबलियन में वन था हि मैनेजमेंट ही उन पंजाबी लाबी उन ऑफिसर से मिली वन था इन अंदरूनी पान में ठा थी वे तो उसे मजदूर वेचारा रगड़े में अची वनू था असा हक जो बर्बाद कराए उन्होंने ठही वन था कारण यो हाँ असें हिम्मत करनी पवी मजदूर के हारियन के रोड से निकलो पव कहीं न भरण पव जिनके वोट दिनासे उन्होंने को आसरो को हिम्मत पा कहीं इंशाला सब हक वरतासूँ मजदूर भी बहाल कराइंदू केस भी खत्म थन्दा धारियन मान निकाली दियण भी जिदोजहद जारी कर बो मैं सब जो तुम कल एक एपीसी तलब कई उनमें कड़ी कड़ी पार्टी आन उन पार्ट एपीसी अंदर मामला डिसीशन कड़ा कड़ा थे इन्हीं में पार्टी का कान इन मजदूर यूनियन सब घुरा जो का मजदूर काज है जैमें इंडस्ट्रीज जो यूनियंस जे मका जिले में मकामी यूनियंस कम कन थी इदार जन उन यूनियन के घुरा उन्हीं का इंशाल्लाह सा सिंध लेवल से सब यूनियन की वही इजलास कोठाइंदासूं पो हैदराबाद कोठायूं कराची कोठायूं घोटकी में जो वेधन आ मजदूर सा इन्हीं लाइक वे फोरम से आवाज़ उथारींदासूं इन लाइक वही हिकमत मिली जोड़ींदासूं जी नाजरीन फाउंडेशन पावर प्लांट पारा जे मकामी पुरतन के हटाया वो है उनमें असं उतों के मजदूर जहाँ भी विचार बुधा इन वक्त असं डेरकी में असिस्टेंट कमिश्नर डेरकी रिजवान नजीर साहब मौजूद आयो सही आपकी बड़ी मेहरबानी आपने हमें टाइम दिया सर ये जो इतना बड़ा इशू है फाउंडेशन पावर प्लांट में मकामी लोगों को नौकरी से बरतरफ किया गया है आपने इस तरह कौन सा नोटिस लिया है ये सरापा एहतजाज बने हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कुछ जनवरी के एंड में इन्होंने एक्शन लिया है फाउंडेशन पावर प्लांट की मैनेजमेंट ने उन्होंने को इसके 39 जो है लेबर उनको जो है उनका गेट बंद करके उनको नौकरी से जो निकाल दिया है जब हमें पता चला हमें डी सी साहब ने कहा कि आप लोग जाएँ इनका मौकफ लें दोनों पार्टी को इनको बुलाएं डायलॉग्स के ऊपर लेकिन उसमें उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई डायरेक्टली लॉ मौजूद नहीं है कि हम इसको इंटरवीन कर सकें बेसिकली इट इज़ अ मैटर ऑफ लेबर कोर्ट लेबर लॉ लेबर असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर और डायरेक्टर लेबर इवन देन एट द प्रीटेक्स्ट के इसको ये एक लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ना बने क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट घोटकी में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है तो अगर एक लेबर कोई प्रोटेस्ट करती है तो सारे वो मिल के जो है ना उनके साथ स्ट्राइक पर चले जाते हैं तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ इसलिए इन्वॉल्व हो रही है कि इसमें इसको किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ना बननी दी जाए हम दोनों पार्टी से कॉन्टैक्ट में हैं दोनों को हम डायलॉग टेबल पे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं हमारे उनसे 2-3 मीटिंग्स भी हुई हैं इंशाल्लाह हम जल्दी किसी ना किसी सोल्यूशन पर पहुँच जाएंगे इसमें हम लेबर लॉ को लेबर ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर सक्कर उनको बुलाया एक दो दफ़ा वो आएंगे इंशाल्लाह उनकी मौजूदगी में हम जो है ना एग्रीमेंट इनका कराएंगे फाउंडेशन पावर प्लांट की मैनेजमेंट का भी इनका ताकि बार बार इनके मसले मसाइल हल ना हो सर लेबर वालों ने भी काफ़ी लेटर लिखे हैं वो कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट की भी जो इंतजामिया है वो हमसे ताउन नहीं करे वो ताउन करे तो ये मसला हल हो सकता है नहीं ये आपको किसी ने गलत गाइड किया है वो हम पे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है हमारी परसों मीटिंग हुई है लेबर वालों से और वो यही कह रहे थे कि सर अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना होती तो ये हमारी बात ही ना सुनते मैनेजमेंट वाले वो बार बार हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं हम उनका जो मौक़ है वो सारा का सारा मैनेजमेंट के सामने रख रहे हैं जो उस पर मसले मसाइल हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि वो मैनेजमेंट वाले उस पर एग्री कर जाएं और दो भी बेसिकली प्रॉब्लम्स दोनों साइडों पे हैं दोनों साइडों पे गलतियां हैं दोनों साइडों पे कुताहियां हैं उसको हम जो है ना कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल एज ए मीडिएटर है हम एज ए मीडिएटर काम कर रहे हैं ताकि हमारा मकसद है कि लेबर उनकी है प्लांट उनके है चलाना उन्होंने है लेबर उनकी है लेकिन हम विद एम कि या ये पीसफुली जो है ना मैटर रिजॉल्व हो जाए और किसी किस्म के किसी बंदे को जो है वो बेरोजगार ना हो वो वहाँ पे काम करता रहे सर ये खासतौर पर अदालत सुप्रीम कोर्ट का डिसीशन भी है ये जो कॉन्ट्रैक्टर निज़ाम उस पर अमल नहीं हो रहा और ये बड़े बड़े इतने हमारे डिस्ट्रिक्ट में सनती इदारे हैं वहाँ के लोकल लोगों को फैसिलिटीज़ दे रहे हैं क्या समझ रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट वाला जो निज़ाम है ये क्यों नहीं ख़त्म हो रहा
फैसिलिटीज़ इलाकों में क्यों नहीं दे रहे, जैसे कंस्ट्रक्शन हो या सेहत के इश्यूज़ हो या तालीम के इश्यूज़ हो? मेरे ख्याल में आई एम नॉट द कंसर्न पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेसिकली पर्टेन करता है लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि इस तरह के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर के इशू हैं इसको रेगुलेट करता है लेबर डिपार्टमेंट। तो मेरे ख्याल में आपको असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर जो है गोटकी या डायरेक्टर लेबर जो है लेबर डिपार्टमेंट का सक्कर, वो आपको एग्जैक्ट इसके बारे में बता सकेगा। हमारा इसमें कोई इतना रोल नहीं होता डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, मैंने जैसे पहले आपको बताया। हमारा सिर्फ पर्पज़ यही होता है कि हम इसको एक लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ना बनने दी जाए और किसी भी मजदूर को जो है बेरोज़गार होने से बचाया जाए। सर, ये तकरीबन 2 माह इनको होने वाले हैं, ये जो मजदूर हैं, मकामी मजदूर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, क्या वो इतने बासर हैं जो शायद मालूम हुआ है काफ़ी लेटर भी लिखे हुए हैं, वो आ नहीं रहे, बात सुनने के लिए तैयार नहीं है इंतजामिया से या उन मजदूरों से जो मकामी पोरियत हैं वहाँ के? बेसिकली जो पावर प्लांट की मैनेजमेंट है वो लेबर के साथ इंटरेक्ट डायलॉग करने पर तैयार नहीं है। हम जब भी बुलाते हैं वो आते हैं, हमारे साथ बैठ के वो बातें करते हैं, हम वो डिमांड पेश करते हैं लेबर वालों को, फिर जो लेबर के एतराज़ात होते हैं फिर हम उनको पेश करते हैं। तो हम एक शटल कॉक की तरह दोनों के दरमियान जो है ना इधर फ्लाई करके उधर फ्लाई करके उनके जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मसला भी यही आ रहा है कि उनके मिस्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो आपस में बैठ के बात करने को तैयार ही नहीं है। तो हमारा बेसिक पर्पज़ यही है कि इनका किसी एग्रीएबल सोल्यूशन पर लेके आके इनके दरमियान बैठे आपस में मिलके बात करें और इनके जो है ना मसले मसाइल वो हल हो। क्या समझ रहे हैं आप, कामयाब हो जाएंगे इनके डायलॉग्स में, इनकी बातों में, और उन जो मुलाजमों के ऊपर FIR भी हुई है दादलीगारी थानों पे? वो जब हम परसों हमारी मीटिंग हुई उनके मैनेजमेंट भी आई, लेबर के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी आए, तो उसमें ऑलमोस्ट तमाम पॉइंट्स के ऊपर हमारा सोल्यूशन हो गया था एक आधे पॉइंट के ऊपर। उसके लिए दोनों पार्टी ने खुद टाइम मांगा था 2 दिन के लिए, ताकि वो अपने जो है बाकी जो उनके कोलीग हैं और मैनेजमेंट जो है अपनी सीनियर हायर अप से परमिशन ले सके। तो हम होपफुल है, डेफिनेटली ये मसला डायलॉग टेबल पे हल होगा, इसका मसला रोड पे बिल्कुल भी नहीं हो सकेगा, तो उनको करना पड़ेगा और इंशाल्लाह हम पूरा उम्मीद है कि विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हम इसको हल कर लेंगे। जी नाज़रीन, अभी गाल बोल बुधी जो फाउंडेशन पावर प्लांट जहाँ पोरियत हुआ उनसा गड तो जो मकामी यूनियन जो अगवान हुआ उन गाल बोल बुधी, कानूनदान की गाल बोल बुधी, असिस्टेंट कमिश्नर डेरकी जो रिजवान नज़ीर साहब की गाल बोल बुधी, उन चवण हो तो अस कोशिश क्यों पाया डायलॉग क्यों पाया तजी ही जो पोरियत जिनके नौकरी तक बरतरफ किया है तजी उन मसला हल थी सन उन यो भी हि जो खास तौर पर हम जी अस सिर्फ इतने सुपरवियन जो हिको लेबर डिपार्टमेंट है उनके भी इन सजे मामले से रोल अदा करना घुर्ज। हालांकि ज़िले घोटकी जो ही गंभीर इशू है इतना जहाँ मकामी पोरियत जिनके सनती इदारन पारा नौकरी तक बरतरफ किया इन सजे मामले से ज़िले इंतजामिया लेबर डिपार्टमेंट चूंडल नुमाइंदन के जो रोल अदा करना घुर्ज। लतीफ़ वसीर के इंदड़ प्रोग्राम तीन इजाज़त अलावाई।